हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मसाला मैगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ले लें दो पैकेट मैगी और चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, कुछ करी पत्ता और ग्रीन चिलीज और लेमन। एक अंडा लिया है, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई को चला दिया गर्म होने। कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम इसमें देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल दे दिए, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें देंगे प्याज दे दिए हमने, अब इसे हम चलाते रहेंगे, थोड़ा सा पकने देते हैं, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, कलर आ गया है। अब हम इसमें देते हैं करी पत्ता, 2-3 करी पत्ता दे दिए हमने, भी इसको चला लेते हैं। देंगे अब में हम ग्रीन चिली दे देते हैं, 2 चिली को चॉप किया है, इसे हम दे देते हैं। नंबर चलाते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर को हमने दे दिया, इसे चलाते रहेंगे। टमाटर को थोड़े से पकने देते हैं, अच्छे से पक जाए, हो गया। इसमें थोड़ा सा हम नमक दे देते हैं ताकि ये टमाटर और भी अच्छे से पक जाए। दे दिए नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक दीजिएगा। एक बार चला लेते हैं, फिर से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। अब हम इसमें देते हैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, सीखा आप जितना पसंद करोगे उतना ही दीजिएगा। आप रेड चिली पाउडर दे देते हैं, 1/2 टेबल स्पून दे दिए। अब इन सारे मसाले को हमें पिस्ते पर चलाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। टमाटर को अच्छे से मिक्स होने हमें देते हैं। टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम जो अंडा लिया था उस अंडे में थोड़ा सा नमक देते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, हो गया अच्छे से मिक्स हो गया। तो पहले हम एक बार चला लेते हैं, फिर उसके बाद जो अंडा मिक्स किया है उसे हम दे देंगे। चलिए अंडे को दे देते हैं, दे दिए। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है हमारा अंडा। अब
बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देते हैं। पानी दे के इसे फिर से एक बार चला देते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। सारे मसाले मिक्स हो जाए, थोड़ा सा उबल आने तक इसे हम छोड़ देते हैं। हमारे उबल आ गए हैं, पानी में उबल आ गई है। अब हम इसमें देंगे मैगी। अब हम इसमें मैगी दे देते हैं। हमने यहाँ पे दो पैकेट मैगी लिए हैं, दे देते हैं। सारे मैगी को दे दिया है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। अब हम इस मैगी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। टाइम बाद आया और मैगी मसाले को दे देते हैं। अब इसे भी अच्छे तरीके से मिला देते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स हो गया, मैगी जो है वो ठीक हो गया हमारा और रेडी भी हो गया है मैगी। अब हम इसमें लेमन के जूस दे देते हैं। दे दिए हैं और एक बार जूस को मिला देते हैं। बस हो गया हमारा मैगी। आज हमारा एक मसाला मैगी तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से बना है। बहुत ही अच्छा बनता है ये। इसे आप लोग ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।